चोकाई, चोकाई का मतलब होता है लिसनिंग, और N5 के अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स ने बिल्कुल स्टार्ट ही किया होता है जापानीज़ लैंग्वेज को पढ़ना, उनको ये भी सुनने में, ये भी समझने में मुश्किल आती है कि N5 में हमें पहले तो लैंग्वेज को याद करना है, वर्ड्स को याद करना है, वोकैबुलरी को याद करना है, ये लिसनिंग क्या होती है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लिसनिंग सीधा एग्ज़ाम में जाके ही पता लगाते हैं, पता लग पाता है उनको कि ये जो लिसनिंग थी ये इस तरह से आती है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह से उनका फॉर्मेट होता है। जैसे चार ऑप्शंस होती हैं, उन ऑप्शंस को भी कभी कभी बोल के सुनाया जाता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रिप्लाई करना होता है कि अगर कुछ बोला जाए या फिर कोई पिक्चर दिखाई जाए तो इस तरह से रिप्लाई होते हैं, वो चार होते हैं, तीन होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल एग्ज़ाम में जाके ही ये बात पता चल पाती है। तो मेरी ये पूरी कोशिश है, इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर लिसनिंग को आप पहले सेंटेंसेस के तौर पे सुन के उसके बाद जब एग्ज़ाम पास आ जाए तो फॉर्मेट के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप JLPT में सक्सेसफुली N5 को क्लियर कर पाएंगे। देखिए एडवांस लेवल जो होते हैं जैसे N3, N2, N1, इसमें तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स ने JLPT को अपीयर किया होता है तो उनको पता होता है कि फॉर्मेट के हिसाब से हमें लिसनिंग यानी कि चोकाई को प्रैक्टिस करना है। लेकिन N5 के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जापानीज लैंग्वेज को स्टार्ट ही करा है तो उनको किस तरह से पता चलेगा कि लिसनिंग मतलब मैंने कोई ऑडियो ट्रैक सुना, उसका मीनिंग मैंने निकाला, तो उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन के ऑप्शंस किस तरह से आएंगे, क्या वो लिखे होंगे, क्या वो सुनाई देंगे, इची नी सान योन करके सुनाई दिया जाएगा, फिर मुझे कैसे पता लगाना है कि आंसर 2 है, आंसर 4 है। इस वीडियो के थ्रू इन सब क्वेश्चंस को मैं आंसर करना चाहता हूँ। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मेट के बारे में, यानी कि क्वेश्चंस का स्टाइल किस तरह से होता है। देखिए चार तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अगर इनको कैटेगराइज करें तो पहले दो क्वेश्चंस और बाद के दो क्वेश्चंस। पहले जो दो क्वेश्चंस होते हैं वो जेनेरिक लैंग्वेज को चेक करते हैं कि अगर आपने सुना है, एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन सुनी है या फिर एक पैराग्राफ के तौर पर जापानीज लैंग्वेज को सुना है तो आप उनमें से कंटेंट को, उसमें से कंटेंट को निकाल पाए हैं नहीं निकाल पाए हैं, और उन चार ऑप्शंस में से एक सही आंसर निकाल पाए हैं या नहीं निकाल पाए हैं। दूसरे जो दो क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह से चार क्वेश्चंस को हमने दो दो करके कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दूसरे जो दो क्वेश्चंस होते हैं वो रिप्लाई क्वेश्चंस कहलाए जाते हैं। इसमें फोटोग्राफ देख के आपको ये पूछा जा सकता है कि अब ये पर्सन क्या कहेगा, या फिर एक पर्सन ने ये कहा है तो उसके रिप्लाई में दूसरा पर्सन उसको किस तरह से आंसर करेगा। तो इन दो कैटेगरी को समझने के लिए आने वाली स्लाइड में आपको पहले क्वेश्चन को सुनना है, अपने आप सॉल्व करना है, कोशिश करनी है कि एक ही बार में आप एक आंसर निकालें, उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा कि आंसर गलत है या सही है। इस तरह से चेक करके ही N5 की लिसनिंग की प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं।話しています。男の人はどうしますか？あ、雨が降ってきましたよ。え、雨ですか。困ったな。傘が。私も傘がないんです。どうしますか？タクシーで帰ります。一緒に帰りますか？そうですね。私はバスがあるから、バスで帰ります。そうですか。では失礼します。男の人はどうしますか？男の人と女の人が話しています。So, hi guys, welcome to your first listening question. और इसको start करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीख लीजिएगा आप कि format क्या है। कि पहले आपको क्वेश्चन खुद सुन के सॉल्व करना है, चाहे जितना भी समझ आए, एक ऑप्शन चूज़ करनी है और फिर उसकी ये जो लिसनिंग ट्रैक है, जो इसका आंसर है वो सुनना है, और इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सुननी है। बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस लगेंगे आपको कि बहुत जल्दी जल्दी बोला गया है, या फिर ये चीज़ हमने अभी सीखी नहीं है, ये ग्रामर पैटर्न हमने अभी सीखा नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसको एक लिसनिंग फॉर्म में सीख के चलते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप ग्रामर कवर कर लीजिए, थोड़े रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए, फिर इस लिसनिंग को स्टार्ट कीजिए, या फिर पहले ही लिसनिंग स्टार्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। इसको रिपीट भी कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इट्स कम्प्लीटली आई थिंक कन्वीनियंट है आपके लिए। तो देखते हैं, इसको मैं बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। चोकाई में
क्या होता है कि कॉन्फिडेंस मैटर करता है. आपने इसलिए मैं कहता था कि आप हमेशा ना जब भी जो चीज़ बोलते हो जो चीज़ पढ़ते हो उसको बोल बोल के आपको रिवाइज़ करना है ताकि आपको अपनी आवाज़ खुद सुनाई दे, जैपनीज़ आपको सुनने की प्रैक्टिस हो, और यही चीज़ आपको लिसनिंग में पता चलेगी कि लिसनिंग में कितना ज़रूरी है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ. सुनना होता है और ऑप्शंस को देख के एक चूज़ करना होता है, आपको पता ही है. लेकिन इसको टेक्निक क्या है कि सुनते सुनते ऑप्शंस पर भी नज़र रखिए, अपना दिमाग भी दौड़ाइए थोड़ा सा. जैसे फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, तो बारिश को क्या कहते हैं, आमे कहते हैं, तो पहले से ही सोच के रखिए ये सब चीज़ें. चलिए, और इससे एक और चीज़ आपको अभी सीखने को मिलेगी कि क्वेश्चन का फॉर्मेट लगभग लगभग ऐसा ही होता है ज़्यादातर, कि ओन्ना नो हितो तो ओतोको नो हितो का हनाश्ते मास, यानी कि एक फीमेल और एक मेल बात कर रहे हैं. ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि आपको एक्चुअल एकदम करेक्टली रिकॉग्नाइज हो पाए कि ये बात किसने बोली है. अगर दो लेडीज़ ही होंगी या फिर दो लोग मेन होंगे तो रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, इसकी इसलिए ज़्यादातर ओन्ना ओतोको आता है. कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों ही लेडीज़ होती हैं, कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि क्वेश्चन. तो स्टार्टिंग का फॉर्मेट आपको आई थिंक याद हो गया होगा, ये हमेशा ऐसा ही आएगा ज़्यादातर, कि ओन्ना नो हितो तो ओतोको नो हितो का हनाश्ते मास, मेल और फीमेल बात कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सुनते हैं.男の人はどうしますか？जी, तो क्वेश्चन है ओतोको नो हितो वा दो शिमास का, मेल पर्सन क्या करेगा. और इसमें एक और छोटी सी और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी पूछा जाए मेल क्या करेगा, जैसे आपको फोटोग्राफ में भी दिख रहा है, तो फोकस ध्यान ज़्यादा जो है मेल क्या बोल रहा है उस पर रखना है. चलिए तो आगे सुनते हैं.雨が降ってきましたよ。तो लेडी कह रही है आमे गा फुत्ते की माश्ता यो, आमे पता है हमें रेन होती है, फुरी मास भी हमने सीखा है, ते फॉर्म भी सीखी है, फुत्ते की माश्ता, कि माश्ता मतलब आ गई है, आ गई है का मतलब है कि बारिश बरसनी शुरू हो गई है.雨ですか。困ったな。तो ए सुनते ही हमें समझ आया वो क्या, वो थोड़ा हैरान हो गया है, अरे बारिश कोमाता ना, कोमाता आपने ये पढ़ा होगा, ये होता है कुमारी मास, कुमारी माश्ता, कुमारी माश्ता का मतलब होता है अरे अब हम फंस गए, या ये तो बड़ा ट्रबलसम काम है, ये बड़ी परेशानी का काम है.傘が、私も傘がないんです。तो अब हमें समझ आया कि ट्रबलसम क्यों है, क्योंकि मेल पर्सन कहता है कासा गा, छतरी, यानी कि छतरी नहीं है. तो लेडी उसको रिप्लाई करती है, रेस्पॉन्ड करती है, वाताशी मो, मैं भी, कासा गा नाइन दिस, मेरे पास भी छतरी नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है. どうしますか？दो शिमास का, अब आप क्या करोगे, タクシーで帰ります。टैक्सी से वापस जाऊंगी, कायरिमास मतलब वापस जाना,一緒に帰りますか？ईशो नहीं, ये भी हमने बार बार सीखा है, साथ में, मेरे साथ में, कायरी मास, यानी कि वापस चलोगे क्या, पूछ रही है वो, मेरे साथ में वापस चलोगे क्या. そうですね。私はバスがあるから。तो सो दिस ने भी हमने सीखा हुआ है, इसका मतलब है कि जब कोई पर्सन कोई डिसाइड करने के लिए कोई चीज़ सोच रहा होता है, सो दिस ने, यानी कि वो डिसाइड कर रहा है, सोच रहा है, उसके बाद वो कहता है वाताशिवा बस गा रुकारा, बस मतलब मेरे पास बस है, एक तरह का कहने का मतलब है कि मेरे लिए बस है, यानी कि बस से ही जाऊंगा मैं, बस で帰ります。बस दे कायरिमास, मैं बस से ही वापस जाऊंगा. そうですか。では失礼します。सो दिस का, तो ये सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि वो कहती है कि अच्छा ऐसा क्या, शित्सरे शिमास, इसका मतलब मैंने आपको कई बार सिखाया है कि बाय बाय होता है फॉर्मल ओकेजन पे, जब आप बाय बाय आई विल टेक योर लीव बोलते हैं तो होता है शित्सरे शिमास.男の人はどうしますか？तो देखिए आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा गया है कि ओतोको नो हितो वा दो शिमास का, मेल पर्सन जो है वो अब क्या करेगा. तो अब आपको इसी फोटोग्राफ को देख के चुनना है. देखिए जैसे कि फोर्थ में उसने छतरी पकड़ी हुई है, तो ये गलत हो गया क्योंकि उसने बोला ये मेरे पास नहीं है छतरी. सेकंड में जो है टैक्सी है, कैसे पता चला टैक्सी है, क्योंकि वन और टू को हमने कंपेयर कर लिया कि वन में बस है और फर्स्ट सेकंड में टैक्सी है, तो टैक्सी से तो लेडी जाएगी, वो नहीं जाएगा, तो इसका आंसर है वन, क्योंकि वो बस से जाएगा, उसने क्लियर क्लियर बोला है.
तो इसी तरह से आपको चोकाई निकालनी है, इजी है, इसको आप मुश्किल मत समझिए कि बहुत मुश्किल है, इजी होता है, इसको रिपीट करने से जो है ये थोड़ा बहुत जो आपको मुश्किल लग रहा है वो आसान बन जाता है। फॉर्मेट समझाने भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन का मतलब है कि फॉर्मेट का मतलब है कि डिज़ाइन, जैसे JLPT में डिज़ाइन बना के आता है उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो एक बार फिर से मैं आगे के लिए बता देता हूँ कि आप पेशेंस रख के धीरे धीरे चौकाई को करिए, रिपीट कीजिए, और जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है पहले खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ और जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होता है उसके बारे में बता देता हूँ, वो एक रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहा जाता है कि आपको रिस्पॉन्स पता लगाना है। इसमें तीन ऑप्शन होंगे, चार ना होकर के तीन ऑप्शन होंगे, और ज़्यादातर में सिर्फ बोल के ही आपको बताया जाएगा कि क्योंकि रिस्पॉन्स बोला ही जाता है तो बोल के बताया जाएगा कि इसका रिस्पॉन्स क्या है। जैसे किसी ने बोला आरिगातो गोजाइमास, तो इसका रिस्पॉन्स होता है दो इताशी माशते, यानी कि यू आर वेलकम। तो सिंपल ही होगा, इसकी प्रैक्टिस जो है आप ग्रीटिंग्स में या फिर पहले के टेक्स्ट से कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट चौकाई से ही प्रैक्टिस को अपना पक्का कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, और इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। ご飯を食べました。何と言いますか ?1 いただきます。2おいしいです。3ごちそうさまでした。ご飯を食べました。何と言いますかご飯を食べました。かな、かりや。何と言いますか?तो खाना खाने के बाद अब वो क्या कहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फॉर्मेट है, इसमें आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगी और आपको पता लगाना पड़ेगा कि इस सिचुएशन पे क्या बोला जाएगा या फिर किसी ने कुछ बोला तो उसका रिस्पांस क्या दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, इसकी एक 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 करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखते हैं एक एक ऑप्शंस को, देखते हैं गलत और सही। इतादाकिमास, ये तो आपने पहले ही सीखा हुआ है कि खाना शुरू करने से पहले इतादाकिमास बोला जाता है, तो ये ऑप्शन हो गई गलत क्योंकि खाना खा चुका है वो। नी ओइशी देस, ओइशी देस, ये तब बोला जाता है जब एक बार आपने खाया हो और खाते ही आपको लगे ओ इट्स वेरी टेस्टी, तो पूरा खाना ख़त्म करने के बाद नहीं बोला जाएगा, ये एक बार या दो बार ही खा के बोल दिया जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। सन गोचिसो सामादेष्टा, हाँ ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ हमने सीखा हुआ है, गोचिसो सामादेष्टा, खाना खाने के बाद ये थैंक्स गिविंग होता है। थैंक्स किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे भगवान को भी थैंक्स कर सकते हैं आपने हमें खाना दिया, या फिर जिसने हमारे लिए बनाया है प्रिपेयर किया है उसके लिए भी। तो ये मिक्स्ड इमोशंस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसका कोई खास मतलब नहीं है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि खाना खाने के बाद थैंक्स की फीलिंग होती है इसके अंदर। तो इसका आंसर है थर्ड। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट जो होगा उसका चार ऑप्शंस वाला होगा, आपको वो कंक्लूजन बताना होगा, और जो सेकंड क्वेश्चन होगा हमेशा ऐसा होगा जिसमें आपको रिस्पांस वगैरह बताना होगा। सो ऑल द बेस्ट। तो ये था JLPT N5 के लिए लिसनिंग का सेक्शन। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसी तरह से N4, N3, N2, N1 पूरी तरह से लिसनिंग की सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा। कीप फॉलोइंग आवर चैनल निहोंगो मैक्स। थैंक यू सो मच।